नमस्कार दोस्तों, क्रेजी सीन में आप सभी का स्वागत है। ये वैगनार गाड़ी है, गैस पे फिलहाल नहीं चल रही है। यहाँ पे लाइट आ रही है और इसको मैं स्कैनर लगाया हूँ, इसमें चेक कर रहे हैं फिलहाल क्या फॉल्ट आया है इसमें। मैं स्कैनर लगा दिया हूँ, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइटें ब्लिंकिंग कर रही है। इसमें देखो, देख पा रहे हैं कोड दिखा रहा है P0420 और इसमें तीन कोड आया है। एक है इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, काम नहीं कर रहा इसका, और दूसरा है वाइब्रेशन इनिशिएशन सिस्टम प्योर कंट्रोल वाल्व सर्किट है इसका। तो फिलहाल हमें बोनट खोल कर इसका चेक करते हैं कौन से सेंसर काम नहीं। इसमें दिखाया है इंटेक टेम्परेचर सेंसर, ये होता है इसका। तो फिलहाल इसको मैं चेक करूंगा, और एक सेंसर दिखा रहा है इसका। ये दोनों सेंसर काम सही प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी गैस पे नहीं चल रही है। तो फिलहाल मैं इसका फिल्टर खोल कर और इसको मैं चेक करने वाला हूं कहां से तार ब्रेक है या नहीं है। यहां पे ब्रेक तार दिख रहा है मुझे, यहां पे ये दिखाई दे, यहां पे तार ब्रेक हो गया है। अभी चेक करते हैं, मैं इसका फिल्टर खोल रहा हूँ फटाफट, इसका वायरिंग चेक करना है हमें। ये हटा दिया, अब यहाँ से मैं फिल्टर खोल रहा हूँ। मैं चेक कर रहे हैं इसका कि वायरिंग पीछे से ब्रेक है। एक तो तार दिखा है ब्रेक टूटा हुआ, और एक यहाँ पे तार बंधा हुआ है। लाल इसको टाइट में रखना पड़ेगा, हमें इसको भगा दें। फिल्टर साइड में रखती है, अब तार चेक करना है हमें। अब मैं इसका वायरिंग का स्लीव हटा दिया हूँ, और एक तार देख रहे हैं यहाँ से ब्रेक हो गया बिल्कुल। ये देखो ब्रेक हो गया, ये अंदर से गल गया। इसकी वजह से गाड़ी गैस पे नहीं जा रही थी, ये कंपनी फिटेड वैगनार है। अब मैं इसको फटाफट इसको ज्वाइंट करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करके चेक करते हैं गाड़ी गैस पर चल रही है नहीं। मैं इसका वायरिंग जोड़ दिया हूँ जो ब्रेक हुआ था, अब मैं इसमें एक कवर लगा रहा हूँ फिलहाल, और फटाफट पैक करते हैं इसको। अब देख रहे हैं मैं बाकायदा इसको मैं लगा दिया। अब फिलहाल इसको जहाँ पे लगा हुआ है उसको मैं सॉकेट बाय सॉकेट बैठा देता हूँ। ये है TPS का, TPS में चला जाएगा। एक ये है AC का सेंसर, इसमें लग जाएगा। ये यहाँ पे लग गई, ये TPS वाला पीछे लगेगा, पीछे भी लग गया। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है यहाँ पे लग जाएगा। अब गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं गाड़ी गैस पे चल रही है या नहीं आ रही है। अब गाड़ी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन लाइट जल रही है। अभी ये लाइट मैं भगाया नहीं हूँ, भगा देंगे। अब देख रहे हैं गैस पे आ रही है नहीं आ रही है, ये और कोई प्रॉब्लम है। देख रहे हैं तब गैस गाड़ी आ गई है, बस यही प्रॉब्लम था, और कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। गाड़ी टूटा हुआ था, और अभी इस लाइट को मैं भगा रहा हूँ फिलहाल। एक्सीलेटर यहाँ पे इरेज कर देंगे इसमें जाकर, स्कैनर से यहाँ से इरेज कर दिया, यहाँ से लाइट चली गई। अब गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। फिर दोबारा चेक कर देते हैं स्टार्ट करके, दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। गैस पे कॉल करते हैं, और गैस पे चल रही है फिलहाल गाड़ी। अब यही प्रॉब्लम था, एक एयर टेम्परेचर हटा हुआ था, एक AC का सेंसर हटा हुआ था, बस इसीलिए गैस पे नहीं आ रही थी। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।